चंदा आया कैमरा तो ये है मेरी तुर्की बर्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है आज एक और ब्लॉग के साथ। तो अभी बड़े दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग शूट करने लगा, क्योंकि थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था। तो अभी मैं, हाँ संडे है आज, तो इस वक्त टाइम दिखाता हूँ क्या टाइम है। इस वक्त 11 बज रहे हैं और अभी निकला हूँ घर से मैं, थोड़ा हम साथ में संडे को घूम आते हैं थोड़ा, और साथ में राइड कराते हैं थोड़ी सी छोटी सी, और साथ में सर्विस करवाते हैं बाइक की। तो 11 बजने वाले हैं, अभी थोड़ा टाइम रह गया। तो आपको पिछले ब्लॉग में बताया था तुर्की बर्ड लाने गया था, दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये है मेरी तुर्की बर्ड, ये बड़ा वाला ना, ये वाला, ये पहले से लाया था, ये दो लाए मैंने, ये देखो वो दो चूजे हैं, हन्ना ना हन, ये देखो ये मेरे पाँव के आस पास घूम रहे हैं, ये बैठ के मेरे पाँव। चलो से पीछे चल, ये इसका घर बनाया है, अब इसके ऊपर मिट्टी डालनी है, फिर उसके बाद इसका घर पूरा तैयार हो। ये देखो ये वाला बैठ जाए इधर ना आ जाती है, तो ये छोटा सा मेरा गार्डन है घर का, ये देखिए ये गार्डन है, फूल लगाए हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ पे लगाऊंगा कंगी पाम लाया मैंने, तो यहाँ पे लगाएंगी, यहाँ पे मिट्टी खोद के रखी है मैंने, ये मैं पीछे पीछे घूमता रहता। तो ये है वो वाला पेड़ जो वहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मिट्टी खोद के रखी है, ये वाला। ये हमारे पुराने वाले मुर्गे हैं, ये बड़े पुराने रखे हैं ये मुर्गी और मुर्गा। तो बस अभी जा रहा हूँ, तो ये लगी है हमारी बाइक दोनों, ये वाले बाइक लूंगा क्योंकि पिछले वाले इसके डिस्क पैड बड़े खा रहा है ये बाइक। तो मैंने इसके दिल्ली जाने से पहले डलवाए थे डिस्क पैड एक दिन पहले, तो आज ये चली होगी कोई 1200-1300 किलोमीटर, इसके डिस्क पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज इसका ये भी चेक करवाऊंगा कैलिपर, इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो आज दूसरे वाले ग्लव्स लाए मैंने रॉयल इनफील्ड के, ये पहले लिए थे पिछले साल लिए थे मैंने, ये वाले ग्लव्स मैंने पिछले साल के लिए, वो वाले इस बार दिल्ली गया था वहाँ से लाए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी अपनी चीज़ें मैं करूँगा जमा, आज ये थोड़े मुझे छोटे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो थोड़े बल्कि है ना, हैवी हैं थोड़े, वो स्टफ भी उनका हैवी है थोड़ा। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, तो अभी मिलते हैं आपको रास्ते में, तो यहाँ से इसको कॉल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करके रखता हूँ ना गियर में, शायद इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो न्यूट्रल करते हैं ना, मैं ये देखो इंडिकेटर चलाऊंगा ना, वो चल रहा है वहां पे, इंडिकेटर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा। अगर इस साइड का चलाऊंगा, ये देखो ये भी चल रहा है मगर यहाँ पे कोई साइन नहीं आ रहा। अब आपको मैं आगे की दिखाता हूँ, ये देखो ये हेडलाइट चलाई है मैंने हाई बीम, यहाँ पे ये देखो हाई बीम है, अब दिखाता हूँ यहाँ पे चल रही है लो बीम। तो हाई बीम बकास का ख़राब है, हाई बीम की ट्यूब इसकी ख़राब है, तो उसको वो डलवाऊंगा मैं। तो आगे से ऐसी दिख रही है, ये देखो बंद हो रही होगी, चल रही होगी बाइक, देखते रहना आप। और ये देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आगे दिखाएंगे सारा कुछ इसका। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया था मुझे, अभी डलवाया था एक दिन में 500 का। जाते हैं न्यूट्रल तक, जहाँ कहाँ तक जाता है ये, रिजर्व लगाया मैंने, देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस बाइक को 1000 से ऊपर मैं जब भी ये चलती है ना, तो मैं इसका सर्विस करवाना करवा देता हूँ। एक ये तो सीन हो गया अपने साथ,
बस अभी मैं इसकी सर्विस करवा के निकला हूँ वहाँ से। तो इसका क्या क्या बड़ा मैं आपको बताता हूँ। इसकी हेडलाइट बड़ी, इंजन ऑयल बड़ा और क्लच वायर बड़ी और एक और चीज़ बड़ी इसको पीछे डिस्क बैल्ट, चार चीज़ें बड़ी इसमें। और मेरा खर्चा 1200-1300 आया, ज़्यादा नहीं आया। यहाँ पे काम भी अच्छे से हो जाता है और अच्छा काम हो जाता है। मैं मर्जी से आदमी पास में खड़ा होकर करवा सकता है काम। YouTube चैनल है। ये YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करना है लो। तो थैंक यू। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे लड़के मिले मुझे, बोला था ऑटोग्राफ दे दो, तो नाम लिख के दे दिया और साथ मैंने YouTube का हैंडल लिख के दे दिया। तो मैंने डोगरी में बात किया, आपको समझ नहीं आया होगा, तो उनको मैंने बोला कि ये है मेरे YouTube के चैनल का नाम और ये है मेरी आईडी। जो डोगरी जानते होंगे उनको पता होगा। चलो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा बच्चों में, बड़ों में भी चाहिए हमें।